की, जैसे मैं यहाँ से ये देखो आप ऐसे उठा सकता हूँ। इसकी गियर की बात कर लेते हैं, इसमें 21 गियर है, पीछे 7 आगे 3, बट अनीस भी ट्राई करेगा। ओ भाई, इस साइकिल का जो प्राइस है 3 लाख। हेलो भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज हम लोग एक बाई साइकिल का रिव्यू करने वाले हैं। वैसे इस चैनल में बाई साइकिल का रिव्यू नहीं करता हूं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जिसका प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे पहली बात जो है, इसके बहुत सारे फीचर्स है और ये रैली की साइकिल है। अगर आप लोग को इस ब्रांड के बारे में मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, एंड इसका प्राइस भी गेस करो। अनीस भाई थोड़ा पीछे जाओ और साइकिल दिखाओ कौन सी है। तो ये है गाइस हमारी बाई साइकिल, इसका ब्रांड नेम रेले है। इसकी आप लोग ग्राफिक वगैरह देख सकते हो। आगे के फीचर्स की बात करें, उससे पहले ग्राफिक वगैरह थोड़ा बाई साइकिल पे नज़र डालते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं इसको एक हाथ से लिफ्ट कर सकता हूँ, थोड़ी भारी है, बट जो नॉर्मल साइकिल होती है इससे बहुत ज़्यादा भारी होती है। बाकी जैसे मैं एक हाथ से ये देखो आप ऐसे उठा सकता हूँ। ये पूरा एल्युमिनियम से बनाई गई, इस कारण इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और ये साइकिल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब अगर आप रेसिंग वेसिंग करते हो, आपको व्हीली वगैरह मारना है, स्ट्रॉफी मारना है, उसके तो एकदम बेस्ट साइकिल है। और अगर आप लोग एक बार इस साइकिल को चला लोगे ना भाई, तो इसकी आपको एडिक्टेड हो जाओगे, इसकी आदत लग जाएगी, और आप लोग कभी भी दूसरी साइकिल चलाओगे आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो अगर इसके फर्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है इसका डिस्क ब्रेक। आप लोग देख सकते हो साइकिल में डिस्क ब्रेक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे ब्रेकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे दिया है तो इधर बैक में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इधर दोनों साइड डिस्क ब्रेक है, दो डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में बैक में दोनों में डिस्क ब्रेक है, जिससे इसकी ब्रेकिंग ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि इसमें एक और खूबी है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। बहुत से राइडर आप लोगों ने ऐसे देखा होगा जो फ्रंट टायर निकाल के बिली मारते, मतलब चलते हुए ऐसा करते फ्रंट टायर निकल जाता और वो लोग बिली करते रहते हैं, पिछले वाले टायर में गाड़ी लेके आगे जाते रहते। सिंपल बात में ये है, तो इसको निकालने के लिए जो ये है, इसको यहाँ से आप टायर खोल सकते हो, और जब विली करेंगे तो इसको अगर खोल दोगे तो ऑटोमेटिक टायर बाहर निकल जाएगा और लोग बाग टायर आगे चलता रहता है। मैं आप लोग कुछ वीडियो दिखा दूंगा इस साइकिल की। तो इसमें जो वायरिंग की जाती है, अंडर वायरिंग की जाती है, और इस प्राइस रेंज में ऐसा कोई सा अच्छा ब्रांड नहीं है जो अंडर वायरिंग करके दे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। दूसरी बात करें इसके फ्रेम की, फ्रेम काफ़ी अच्छा है। इसमें ग्राफिक देखो कितना बेहतरीन किए गए हैं, मतलब आप कहीं भी दूर भी कहीं भी साइकिल चलाओगे दूर से दिख जाती है कि मतलब एक बेहतरीन और अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड की साइकिल है, ये आपको दूर से ही मालूम चल जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हो इसकी जो सीट हाइट है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। इसके गियर की बात कर लेते हैं, इसमें 21 गियर हैं, पीछे 7 आगे 3, और ये आप लोग समझ रहे हो 7 और 3 10 ही हुए, बट ऐसा नहीं होता है। सो भाई लोग, अभी जो है आप जो गियर के बारे में उलझ ना जाओ, ज़्यादा सोचो मत, इसलिए अनीस ने इसके बहुत ही सिंपल में एक्सप्लेन करेगा। तो अनीस भाई, ओवर टू यू। जैसे कि भाई लोग आप देख सकते हैं, पीछे 7 गियर है, आगे 3 गियर है। तो जैसे कि अपना फर्स्ट, ये अपना अभी है सेकंड गियर पे, तो ये सेकंड गियर पे तो ये 7 पे आएगी। और अभी जैसे अभी चला के दिखाएंगे आपको, तो ये चला रहे हम, तो ये अभी आगे अपनी फर्स्ट नीचे वाले पे, तो नीचे वाले भी 7 पे आएगी। और फिर अपन आगे करेंगे तो अपन इसको फर्स्ट पे लाएंगे, इस पर भी आ गई, तो इस पर भी 7 पे आएगी। इस प्रकार से 7x3 होता है। ये है कि जो आगे की 3 गियर है, फर्स्ट जो आगे का गियर है वो 7 गियर पे जाएगा पीछे वालों में, इसके बाद जो सेकंड आगे का गियर है वो फिर से 7 पे दे जाएगा, यानी जो थर्ड आगे गियर वो फिर से पीछे वाले 7 पे जाएगा। तो ऐसे करके 7x3 21 ऐसे हो गए 21 गियर इस बाइक में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, उसमें है सस्पेंशन लॉक। बाकी आप लोग यहाँ पे नज़र मत डालना यार, ये लोगों ने अभी इसका सस्पेंशन जो है लीक हो रहा है, इन लोगों ने अभी इसको बनवाया नहीं है, पता नहीं क्यों, इसको अपन इग्नोर करते हैं। जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे एक दिया हुआ ये बटन रेड कलर के, जिससे अपन ये कर दिए सस्पेंशन इसका हो गया लॉक, और ये कर दिए तो इससे हो गया सस्पेंशन अनलॉक। तो इसमें ये फीचर्स दिए गए, अगर आप लोगों को सस्पेंशन लॉक करना है तो लॉक कर सकते हो, अनलॉक करना तो अनलॉक कर सकते हो। इसके रिम की, इसका अलॉय की, वैसे बाइक में से अलॉय बोलते हैं, साइकिल में रिम बोलते हैं। आप लोग इसके अलॉय देख सकते हो, काफ़ी प्यारे हैं, बहुत ही पतले लग रहे हैं यार एकदम से, और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें जो रेले की ब्रांडिंग की हुई है एलॉय में भी, आप लोग ये देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मेरे को ना ऐसे जो ये इस टाइप के जो ग्राफिक्स होते हैं काफ़ी अच्छे पसंद आते हैं, तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कर बताओ आप लोग कैसे लगते हैं। बाकी कह लेते हैं इसके टायर की बात, टायर काफ़ी अच्छे हैं। ये जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो आप में से जो भी भाई हमारा देख रहा है, अगर आप लोग प्राइस गेस कर लिए हो या नहीं किए हो तो भी करके बता दो कमेंट में क्या प्राइस हो सकता है, हम लोग इसका एंड में प्राइसिंग बताएंगे। हमारे अनीस भाई एक बैग लगा के रखे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं, जैसे पानी वगैरह गिर रहा था, वाटरप्रूफिंग केसिंग के साथ यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा, यहाँ आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पर आप एलेंकी वगैरह रख सकते हो, जिससे आपको अगर बाई साइकिल कहीं भी पंचर हो जाए और कहीं भी कुछ नट वगैरह ढीले हो जाए, गिर जाएँ, तो उनको टाइट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इसके टूल्स रखे हुए हैं। एलेंकी बोल लो, टूल बोल लो, ये अंदर सब रखे हुए हैं, इनको हम नहीं निकालते हैं, टूल्स हैं सभी, टूल बैग। इसके बाद यहाँ पे एक घंटी वगैरह भी दी गई है, कहीं आप चलो तो लोग
साइड हटा सको, लोगों को इन्फॉर्म कर सको पीछे से घंटी बजा के, जैसे हम लोग बाइक में हॉर्न बजाते हैं उस टाइप के लिए यहाँ पे घंटी दी गई है। बाकी एक जो इसका सबसे बेहतरीन फीचर्स है, अगर आप लोग लॉन्ग राइड में जाते हो और पानी वगैरह की दिक्कत होती कभी कभी आप कहाँ रखो, तो यहाँ पे बॉटल कैरी करने के लिए एक यहाँ पे टूल दिया गया है, स्टैंड दिया गया है, ये सबसे अच्छा। लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो है यहाँ पे आप लोग पंचर पंप कैरी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है, स्टैंड दिया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यार ये जो बाइसाइकिल रहती है कहीं भी रास्ते में पंचर हो जाती है, तो इनका पंचर अपन लोग बनाए कैसे, पंप नहीं है तो हवा कैसे भरेंगे, तो ये जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए यहाँ पे जो पंचर पंप का दिया गया है ये सबसे बेहतरीन फीचर्स है, जिससे आप लोग पंचर पंप कैरी कर सकते हो और कहीं भी आपकी बाइक पंचर हो, कुछ भी दिक्कत आए, तो आप उसे आराम से ईजी अपने हाथों से बना सकते हो। क्योंकि बाकी जो सामान है पंचर के लिए उसको आप लोग इस पर रख सकते हो, इस बैग में कि व्हीली वगैरह करके दिखाता हूँ। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो इसका सीट एडजस्ट करने का, मतलब अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो सीट ऊपर कर लो ये, और कम है तो नीचे कर लो। जैसे देखो अभी मेरी हाइट कम है तो मैं नीचे कर लेता हूँ, अनीस की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तनीस ऊपर कर लेता, तनीस ऊपर करके दिखाने के बाद, तो काफ़ी इजी है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको बस करके और इसको ये बंद कर देना है। इसके ये जो छोटे छोटे फीचर्स है काफ़ी अच्छे हैं, और ये छोटे छोटे फीचर्स है इस बाइक को काफ़ी अच्छी बना देते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कभी भी बाइक लेने की सोच रहे हो और आपका प्राइस थोड़ा अच्छा है, मतलब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग माउंटेन बाइक लेना। क्योंकि अनीस भाई जो आपको व्हीली मार के दिखाया कैसे व्हीली कर सकते हैं इन बाइकों में, तो आ जाओ अनीस भाई स्टार्ट करो, बहुत अच्छी करता है, बट अनीस भी ट्राई करेगा। ओ भाई ओ बच गया भाई भाई एक्सीडेंट होते बचा अनीस का, बट कोई नहीं, बढ़िया था। वन मोर चलो। ओ भाई क्या बात। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब मैं थोड़ा ग्राउंड में जाके व्हीली करूँगा, क्योंकि मैं एक बार पटका चुका हूँ, मुझे बहुत तेज़ लगी थी, तो इसलिए अभी मैं इधर नहीं करने वाला, रोड में बहुत ज़्यादा लग जाएगी, तो मैं जाके ग्राउंड में करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती इसलिए थोड़ा बहुत आती मैं करके दिखाऊंगा। बाकी जो अनीस का दोस्त है, जो इसकी ये साइकिल है वो एकदम परफेक्ट है इस चीज़ में। लोग अभी तुम्हारा भाई व्हीली करके दिखाएगा, ऐसा मत सोचें तुम्हारे भाई को नहीं आता, आता है भाई, करके दिखाते। चलो जाओ अनीस भाई दिखाओ भाई। करना पड़ रहा मेरे से नहीं हो रहा ये, इसने ज़्यादा अच्छी कर ली, क्योंकि ये लोग साइकिल राइडर है, तुम्हारा भाई बाइक राइडर है, तो बाइक में हम पूरा ऐसा खड़ी कर देते हैं। बात करें इस साइकिल के प्राइस की, जो आप सुन के हिल जाने वाले हो गाइस, इस साइकिल का जो प्राइस है 3 लाख रुपए। भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते हो इतने में गाड़ी आ जाएगी, KTM की बाइक आ जाएगी, बट इस साइकिल का जो रियल प्राइस है 3 लाख रुपए। भाई समझ रहे हो, इतने में आप लोग बता रहा हूँ गाड़ी लेना प्रेफर करोगे, लेकिन जो राइडर होते हैं, जो ट्रू राइडर होते हैं, ट्रू साइकिल राइडर, वो लोग पैसे नहीं देखते भाई, उनको सिर्फ मज़ा आना चाहिए। बट कोई नहीं, ये सब चूती आप है भाई, इसका जो प्राइस है वो मैं रियल बताता हूँ आप लोगों को, इसका जो रियल प्राइस है 25,000 से 27,000 के बीच में है। अभी शायद थोड़ा कम गया होगा, बढ़ गया तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट आप लोग बताओ क्या ये 25,000 की साइकिल क्या 25,000 की वर्थ इट है या नहीं है? और जो लोग ये यूज़ कर रहे हो आप लोग कमेंट करो कैसी साइकिल है, इसमें क्या अच्छा है, क्या मैंने छोड़ दिया, क्या चीज़ इसकी नहीं बताई, कौन सी खूबी मैंने नहीं बताई, आप लोग कमेंट कर बताओ। मेरे को साइकिल बहुत पसंद है यार, अंदर कहीं ना कहीं जज्बा दबा रहता है, बाइक चलाता हूँ, साइकिल का भी मन करता है कभी कभी, तो एक साइकिल ले लेंगे, जब मन करेगा निकल जाएंगे। बाकी मेरे को टॉप नोच साइकिल लगी, एकदम बेस्ट साइकिल है, आप लोग कमेंट करो कैसी लगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।